हाँ दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक का पुराना अकाउंट वापस लाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट का पुराना अकाउंट था, अब वो 2 महीने या फिर 3 मंथ हो चुके हैं या फिर 6 मंथ या फिर 1 साल, और आपका पुराना अकाउंट आप रिकवर करना है अपने फ़ोन में, तो कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं अपने ओल्ड अकाउंट फेसबुक का। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लिए, तो अब कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। अब हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको रिमूव पूरा कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, अब आपका कुछ इस तरीके से है, तो आपको वापस कैसे लाना है वो ध्यान से देखना है इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर और पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन, और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में, तो यहाँ पे मिलता है क्रिएट अकाउंट नया बनाने के लिए, लेकिन हमें नया नहीं बनाना है दोस्तों, हमें पुराना अकाउंट वापस लाना है। तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ, इस पे आप क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर फ़ोन नंबर्स चॉइस योर अकाउंट, अपने अकाउंट को ढूंढने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, आप देखिए फाइंड योर अकाउंट, अपने अकाउंट को पता करने के लिए। अगर आपके पास घर में 2 फ़ोन नंबर हैं, तो बारी बारी से आप ट्राई कीजिएगा, पहले 1 फ़ोन नंबर डाल कर दीजिएगा, और नंबर डालने के बाद आपका नाम आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि मेरा पुराना अकाउंट यही है। और अगर आप ईमेल आईडी से बनाएं, तो यहाँ पे सर्च बाय ईमेल एड्रेस लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंटर योर ईमेल चॉइस, अपने अकाउंट को ईमेल, अगर आप ईमेल से बनाएं तब। अगर आप ईमेल से नहीं बनाए हैं, तो सिंपली आपको फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर से आप बनाए थे, यहाँ पे आपको डाल लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। डालने के बाद आपको क्या करना है, और कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आपको यहाँ पे एक सर्च आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इस नंबर से बताया जाएगा ये दोनों हैं, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, और इसके बाद ये वाला सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो मैं ईमेल आईडी से अब चेक कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं अपना ईमेल आईडी पर सेलेक्ट कर लिया था, ये यहाँ पे ईमेल आईडी। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है, इस तरीके से सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जा रहा है आपका नोट भी DP लगाए रहेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने फ़ोटो लगाए रहेंगे दोस्तों, 1 साल पुराना रहेगा या फिर 6 मंथ, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा और आपका नाम। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा आपको, और 1 साल पुराना या फिर 6 मंथ है और आपका पासवर्ड याद है, तो गेट कोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा अपना ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अपना पासवर्ड बनाने का, तो यहाँ पे पासवर्ड बना लेते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों, फेसबुक की आईडी, पुरानी आईडी वापस इस तरीके से आप ला सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने ला लिया है, और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आप फेसबुक की पुरानी आईडी को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।